ये बलजानों का 180 वॉट स्लो जूसर है। इसमें और बाकी जूसर होते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर, ये होता है कोल्ड प्रेस जूसर। इसमें जो फलों का जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बरकरार रहते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन कम होता है, ज़्यादा देर तक हम स्टोर कर सकते हैं। ये हमने अमेजॉन से लिया है और ये हमको करीब पड़ेगा 7,500 रुपये का। अब इसमें देखिए कि यहाँ से जूस आता है, यहाँ से पल्प आता है और यहाँ से हम फिट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है, पूजा पाठ करके सब रेडी स्टेज में है। अब हम आपके सामने आज का पहली बार अनार का जूस बनाएंगे, वो भी अनार का बना रहे हैं। देखिए ये हम इसका स्विच चालू कर देंगे, घूमना चालू कर दिया। अब इसमें हम धीरे धीरे ये अनार डालते रहेंगे। ये देखिए पल्प आना चालू हो रहा है, यहाँ पे ये पल्प आना चालू हो गया। ये करीब 1 किलो अनार का जूस बना रहे हैं। डालते जाओ ना, ये ढक्कन खोला, अभी नहीं खुलेगा, तो थोड़ा भरेगा तब खोलेंगे इसको। ये जो दो चीज दी है, एक तो ये ड्रिप फ्री के लिए दिया हुआ है, ये टपके नहीं बार बार, और दूसरा इसका मेन पर्पस है कि जब हम इसको वॉश करें, पानी डाल दें, बाद में जूस निकालने के बाद दोनों को बंद कर दें और घुमा दें, तो ये प्री वॉश हो सकता है। और ये देखिए ये बिल्कुल सूखा है, एकदम सूखा है। इसमें बिल्कुल भी रस हमारा बेकार नहीं जा रहा है। देखो आप, देखो हाथ डाल के निकालो, एकदम सूखा है, पूरा सूखा है। इसमें बोलते हैं 95% जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रूट्स का। देखिए अब हम जूस का भी वॉल खोलते हैं, तो प्रेशर से आएगा, हाँ आएगा, ये आ गया। आप एप्पल का भी जूस बनाएंगे तो एकदम क्लियर जूस बनेगा। इसको बंद इसलिए भी करते हैं कि ये थोड़ा जब घूमता है तो उसमें से और उसको वॉश करता रहे, इसलिए थोड़ा भर के रखते हैं, थोड़ा भर जाए फिर खाली कर लेते हैं। ये 1 लीटर का हमारा कंटेनर है। अनार कितने किलो है? अनार 1 किलो है और इसमें बहुत सारा एक साथ नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है इसमें अनार। और ये मशीन को एक बार में 20 मिनट तक चला सकते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा चलाना हो तो रोकना पड़ेगा बीच में। 1 किलो अनार में से 1 अनार कितने, 6-7 अनार होंगे इसमें, छोटे साइज 6-5, 6-7।